सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड ज्ञान को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अनलिमिटेड ज्ञान। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट कैसे कर सकते हैं LIC एजेंट के पोर्टल पे। कई बार ऐसा होता है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी चेंज हो जाती हैं, तो वो आप LIC एजेंट पोर्टल को अपना ओपन करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपको ये सब कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और LIC इंडिया की साइट को ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है LIC इंडिया, या आप सीधा LIC India.in वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे LIC India.in की वेबसाइट आ गई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे जब आप ओपन कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपना LIC का एजेंट पोर्टल ओपन करना है। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा एजेंट पोर्टल के लिए, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे अपना एजेंट कोड का यूज़र नेम जो होता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो आइए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो एजेंट कोड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना जो भी पोर्टल है LIC का, उसका पासवर्ड डालना है और नीचे यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच इज़ द बिगर नंबर आउट ऑफ दिस, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। और उसके बाद आपको अपने LIC एजेंट पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप में से किसी के पास LIC का एजेंट पोर्टल नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया है कि आप LIC एजेंट पोर्टल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो देख के आप आसानी से जान सकते हैं कि आप LIC एजेंट पोर्टल के लिए कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे ईमेल और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका जो एजेंट का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे लिखा है एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपके पोर्टल से रजिस्टर हैं वो शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे एडिट कर देंगे। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी को एडिट कर देंगे। तो मान लेते हैं मेरे को ईमेल आईडी एडिट करनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल दूँगा। और जब ये आप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव चेंजेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड, इसका मतलब कि जो भी आपने अपनी डिटेल्स अपडेट की हैं वो चेंज हो चुकी हैं और आपकी अब ईमेल आईडी देखेगी तो यहाँ पे जो हमने डाली थी वो हो जाएगी। तो मैं फिर से अपनी वही ईमेल आईडी डाल देता हूँ क्योंकि मुझे ये आईडी चेंज नहीं करनी है। तो फिर से मैं अपनी जो पुरानी वाली आईडी है वो डाल के सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो जो मेरी पहले वाली आईडी है वही ईमेल आईडी इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऑनलाइन खुद से अपडेट कर सकते हैं। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एजेंट पोर्टल नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि एजेंट पोर्टल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एजेंट पोर्टल को कैसे यूज़ करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जानना चाहते होंगे कि एजेंट पोर्टल को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरी और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको फ्री में मिलती रहे। और देखते रहिए मेरी वीडियोस को, क्योंकि देखोगे तभी तो सीखोगे।